बेहतरीन लोगों को नमस्कार, सादर प्रणाम। आज इस वीडियो में बात होगी फीवर की दो मेडिसिन ब्रायनिया अल्बा और यूपिटोरियम की। वैसे होम्योपैथी में फीवर की कई मेडिसिन हैं, लेकिन टॉप ग्रेड रेमेडी में आती हैं ब्रायनिया अल्बा यूपिटोरियम। मसल्स में ढेर सारे पेन होने लगे, तेज दर्द होने लगे, मस्कुलर पेन होने लगे तो यूपिटोरियम, और किसी भी टाइप का फीवर हो उस केस में आप ब्रायनिया अल्बा यूज कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस है ब्रायनिया अल्बा और यूपिटोरियम में, उसी को समझते हैं। उसके पहले आप यूं समझ लीजिए कि जो फीवर है वो बॉडी की डिफेंसिव मैकेनिज्म है। बॉडी में कोई भी एबनॉर्मलिटी चलने लगती है या फिर कोई इन्फेक्शन होता है, या फिर यूं समझिए कि बॉडी अपने को अपडेट करने के लिए बॉडी टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ाती है। तो जैसे मान लीजिए ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, इसके ऊपर कोई संक्रमण हुआ, एबनॉर्मल सिचुएशन है इससे बॉडी के ऊपर, तो ब्रेन क्या करता है, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा देता है। टेम्परेचर बढ़ाने से फायदा क्या होता है कि बॉडी के जो एंजाइम है वो थोड़ा सा बेहतर तरीके से, इफिशियंट तरीके से काम करने लगते हैं। उस इफिशियंसी की वजह से जो संक्रमण हुआ है इस पर वो खत्म हो सकता है, या फिर इसके अंदर जो भी एबनॉर्मलिटी चल रही है उसको ठीक करने का प्रयास करता है बॉडी टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ा करके। कुछ केस में बॉडी टेम्परेचर एबनॉर्मली हाई रहते हैं, ज्यादा समय तक बॉडी टेम्परेचर का अधिक बने रहना नुकसानदेह है, उसी को ठीक करने के लिए ब्रायनिया अल्बा या फिर यूपिटोरियम यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा भी और होम्योपैथी में मेडिसिन है। यहाँ पे कंपेयर की बात हो रही है तो देखिए लिखा है कि ब्रायनिया अल्बा में हमेशा इसको प्यास लगी रहती है, ऑलवेज थर्स्टी, यानी जो इसका ट्रैक्ट है, यानी यूं समझ लीजिए कि जो बॉडी है उसको पानी की जरूरत है, एक एक गिलास दो दो गिलास पानी पीता है थोड़े इंटरवल पर, एक दो घंटे के अंतराल पे। तो एक दो घंटे के अंतराल पर एक एक गिलास पानी पीना, इससे ये पता चलता है कि बॉडी के अंदर ड्राइनेस है, म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई हो गई है। तो ये सिम्टम्स है ब्रायनिया अल्बा का। अगर ऐसा है कोई बार बार दो दो तीन तीन घंटे के अंतराल पर एक एक डेढ़ डेढ़ गिलास पानी पी रहा है तो आप ब्रायनिया अल्बा दीजिए, फीवर में बहुत अच्छा रिस्पांस आएगा। और इधर पे क्या है, यूपिटोरियम में इसको थ्रश तभी लगता है जब फीवर आने वाला हो या फिर फीवर के समय, यानी थ्रस्ट ड्यूरिंग चिल एंड बिफोर फीवर, उसके बाद इसको प्यास कम लगती है, नहीं लगती है, थ्रस्टलेस है। अब यूं समझिए कि जब ब्रायनिया अल्बा पानी ज्यादा पी रहा है तो पसीना ज्यादा ही आएगा, तो एक्सेसिव स्वेट भी आता है, यानी खूब ज्यादा पानी पीना उसके साथ साथ में खूब ज्यादा पसीना आना। यहां पे क्या है कि पानी कम पीता है और तभी पीता है जब इसको बुखार चल रहा होता है या फिर बुखार के पहले। तो सीधी सी बात है, पानी कम पी रहा है तो प्यास भी कम ही लग रही है, तो पसीना भी कम ही आएगा, प्यास कम पसीना कम। जब बॉडी के अंदर पानी नहीं है तो पसीना कैसे आएगा। यहां पे क्या है कि ब्रायनिया अल्बा ढेर सारा पानी पीता है, इसके अंदर पानी एक्सेसिव मात्रा में है, तब टेम्परेचर बढ़ेगा, तो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए स्वेटिंग होगी, पसीना आएगा ज्यादा, तो इस तरह से फ्री स्वेट है यहाँ पे। और ब्रायनिया का क्या है, बॉडी पेन एग्रेटेड बाई मोशन, ब्रायनिया हमेशा रेस्ट में पड़े रहना चाहता है। ब्रायनिया का फीवर आएगा तो पानी ज्यादा पिएगा, पूरी बॉडी में जो पेन होगा वो जरा सा भी मोशन से उसको दिक्कत होने लगती है, इवन आंख के जो गोले हैं ना इधर उधर देखने से भी इसको दिक्कत होती है, इस तरह से घुमाने से भी दिक्कत होती है, यानी हमेशा रेस्ट में पड़े रहना चाहता है क्योंकि चलने फिरने से इसकी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। लेकिन यहां पे क्या है कि बॉडी पेन एग्रेटेड बाई मोशन, जो बॉडी में पेन है वो चलने से थोड़ा सा कंफर्टनेस महसूस होता है, कंफर्टेबल महसूस होता है, तो चलने से कंफर्टेबल महसूस होता है यूपिटोरियम में, और चलने से दिक्कत हो जाती है किसमें, ब्रायनिया में। और हेडेक का सिचुएशन ये है कि हेडेक व्हेन स्टूपिंग, झुकने से या फिर चलने से लगता है कि जो अंदर का जो माइंड है, जो ब्रेन है वो थोड़ा सा छोटा हो गया है, चलने से लड़ता है, ठक ठक की आवाज आती है जैसे कि लड़ रहा है, अंदर वाला ब्रेन हड्डी में लड़ रहा है, या फिर झुकने से लगता है कि सर इतना भारी हो गया कि ब्रस्ट न हो जाए, तो हेडेक व्हेन स्टूपिंग एज इफ ब्रेन वुड ब्रस्ट, झुकने से लगता है कि ब्रेन फट जाएगा, और चलने फिरने से लगता है कि ब्रेन का अंदर वाला पोर्शन थोड़ा सा छोटा हो गया है, चलने से हट उसमें जो बोन है, स्कल है, उसमें जाके लड़ता है इस तरह से। और यहाँ पे क्या है कि हेडेक विथ आई सोरनेस, सरदर्द है लेकिन आई में भी पेन है, डेंगू फीवर जैसा, अंदर की तरफ रेट्रो ऑर्बिटल पेन होता है।
इस तरह से ब्रायनिया अल्बा का अलग इंडिकेशन और यूपिटोरियम परफोरेटम का अलग इंडिकेशन। यूपिटोरियम नाम से दो दवा आती है, एक यूपिटोरियम परप्यूरियम वो अलग मेडिसिन है, यहाँ पे यूपिटोरियम परफोरेटम ये अलग मेडिसिन है। परफोरेटम बॉडी सोरनेस के लिए, मसल्स मस्कुलर पेन के लिए, फीवर के लिए बेहतर रिस्पॉन्स करती है। इंडिकेशन इसका इस तरह से है और यहाँ पे ब्रायनिया का इंडिकेशन ऐसे है। अगर ब्रायनिया का इंडिकेशन मिलता है तो ब्रायनिया लें, रेस्टॉक्स का सॉरी इसका यूपिटोरियम का इंडिकेशन मिलता है तो यूपिटोरियम लें। दोनों का ले सकते हैं आप और 30 पावर 4 बूंद जीप पर सुबह दोपहर शाम लें, फीवर में बेहतर रिस्पॉन्स आएगा। अब कुछ लोगों को ये होगा कि ब्रायनिया अल्बा और यूपिटोरियम दोनों साथ साथ लें, जिसका इंडिकेशन मिले आप वही लीजिए बेहतर रिस्पॉन्स के लिए। तो आपने पूरा वीडियो देखा, कुछ बात समझ में आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दें, कुछ लोगों की इन्फॉर्मेशन बढ़े ताकि बीमार होने की संभावना कम हो। आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।